हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्वास्थ्य कार्ड में लखनऊ। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को लेकर के, जो आने वाले सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण हैं। तो आइए शुरू करते हैं। जैसे कि बात करें, इंग्लिश चैनल को तैर कर पार करने वाली दुनिया की सबसे कम उम्र की पैरा तैराक, उनका नाम क्या है? ध्यान रखिएगा, इनका नाम है जिया राय। तो जिया राय जो है, इन्होंने मात्र 16 वर्ष की आयु में इंग्लिश चैनल को तैर कर पार करने वाली दुनिया की सबसे कम उम्र की पैरा तैराक बनने का रिकॉर्ड कायम किया है। अगर बात करें तो इन्होंने 17 घंटे 25 मिनट और 29 सेकंड में 17 घंटे 25 मिनट 29 सेकंड में लगभग 34 किलोमीटर की दूरी तय की है। और जी आर आई का संबंध मुंबई से है। तो जी आर आई जो है, इंग्लिश चैनल को तैर कर पार करने वाली दुनिया की सबसे कम उम्र की पैरा तैराक बन चुकी हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, यूपीएससी के नए अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो जैसा कि आपको पता होगा कि डॉक्टर मनोज सोनी जी ने 1 माह पहले ही इस्तीफा दे दिया है। उनकी जगह पर किसको बनाया गया है? प्रीति सूदन को जो है यूपीएससी का नया अध्यक्ष बनाया गया है। और ये 1983 बैच की आंध्रा कैडर की आईएएस अधिकारी है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। तो वर्तमान में यूपीएससी के अध्यक्ष कौन है? तो प्रीति सूदन है। यूपीएससी का उल्लेख भारतीय संविधान के किस आर्टिकल में है? कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर बात करें विश्व मानव तस्करी निरोध दिवस, तो ये कब मनाया गया? तो ये मनाया गया 30 जुलाई को। इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। विश्व मानव तस्करी निरोध दिवस ये मनाया गया 30 जुलाई को, और इस बार इसका 10वां संस्करण था। अगर बात करें अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस यानी इंटरनेशनल टाइगर डे, ये मनाया गया 29 जुलाई को। इसकी शुरुआत 2010 से की गई। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। इंटरनेशनल टाइगर डे 29 जुलाई को मनाया जाता है, ध्यान रखिएगा। और विश्व मानव तस्करी दिवस ये 30 जुलाई को मनाया गया। अब अगला क्वेश्चन है, विश्व अंतरिक्ष पुरस्कार। विश्व अंतरिक्ष पुरस्कार जो है, ये भारत के चंद्रयान 3 को दिया जाएगा। कब दिया जाएगा? ये 14 अक्टूबर को दिया जाएगा, मिलान इटली में। और ये 75वां जो है इंटरनेशनल स्पेस यात्री सम्मेलन में इस अवार्ड को दिया जाएगा, भारत के चंद्रयान 3 को। तो भारत के चंद्रयान 3 को विश्व अंतरिक्ष पुरस्कार दिया जाएगा, और ये 75वां इंटरनेशनल स्पेस यात्री सम्मेलन में इटली के मिलान शहर में कब दिया जाएगा? 14 अक्टूबर को दिया जाएगा। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अब अगर बात करें कि सकल पर्यावरण उत्पाद सूचकांक लॉन्च करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? तो सकल पर्यावरण उत्पाद सूचकांक लॉन्च करने वाला भारत का पहला राज्य है उत्तराखंड। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। और उत्तरांचल से उत्तराखंड कब बना था? तो उत्तरांचल से इसका नाम परिवर्तित करके उत्तराखंड बना था 2007 में। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। विंग्स टू और होप्स वॉल्यूम वन का अभी हाल ही में विमोचन किया गया, माननीय शिवराज सिंह चौहान जो कि कृषि मंत्री है भारत सरकार के, इनके द्वारा। तो बताना है कि ये पुस्तक किससे संबंधित है? विंग्स टू और होप्स, ये पुस्तक जो है द्रौपदी मुर्मू जी से संबंधित है, और ये 11 भाग हैं इसके, ध्यान रखिएगा, 11 वॉल्यूम है इसके, विंग्स टू और होप्स। इसका अभी हाल ही में शिवराज सिंह चौहान के द्वारा विमोचन किया गया। अगला क्वेश्चन है, नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया? तो ये मनाया जाता है 18 जुलाई को। इनकी एक प्रसिद्ध पुस्तक है अ लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, अ लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम इन्हीं की पुस्तक है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। विश्व वर्ल्ड इंटरनेशनल जस्टिस डे कब मनाया गया? तो ये मनाया गया 17 जुलाई को। वर्ल्ड इंटरनेशनल जस्टिस डे, विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस, ये 17 जुलाई को मनाया गया। और 2024 की इसकी थीम है सामाजिक न्याय को आगे बढ़ाना। सामाजिक न्याय को आगे बढ़ाना विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस की थीम है। अब अगर बात करें यूरोपीय संसद की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है, तो ध्यान रखिएगा, इनका देश इंपॉर्टेंट है, ये माल्टा की हैं और इनका नाम है रॉबर्टा मेत्सोला। तो रॉबर्टा मेत्सोला यूरोपीय संसद की पहली महिला अध्यक्ष हैं, इसलिए ये प्रश्न महत्वपूर्ण हो गया है। अब अगर बात करें कि अपर सियांग जल विद्युत परियोजना ये किस राज्य में है, तो ध्यान रखिएगा, अपर सियांग जल विद्युत परियोजना जो है ये अरुणाचल प्रदेश में प्रस्तावित है, और इसकी क्षमता कितनी है? तो ये 11 मेगावाट क्षमता की, 11 मेगावाट क्षमता इसकी परियोजना है। ये अपर सियांग जल विद्युत परियोजना अरुणाचल प्रदेश के अपर सियांग डिस्ट्रिक्ट में प्रस्तावित है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अगला है, हमारा संविधान हमारा सम्मान।
हमारा संविधान, हमारा सम्मान के दूसरे क्षेत्रीय कार्यक्रम का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो हमारा संविधान हमारा सम्मान के दूसरे क्षेत्रीय कार्यक्रम का आयोजन ये प्रयागराज में होगा। पहला कहाँ हुआ था? तो पहला बीकानेर राजस्थान में हुआ था। और ये जो दूसरा क्षेत्रीय कार्यक्रम होगा हमारा संविधान हमारा सम्मान का, इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया जाएगा? तो इसका उद्घाटन किया जाएगा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी DY चंद्रचूड़ के द्वारा। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। आइए एक बार फटाफट रिवाइज कर लेते हैं इसको। इंग्लिश चैनल को तैर कर पार करने वाली दुनिया की सबसे कम उम्र की पैरा तैरा कौन बन गई है? तो ध्यान रखिएगा, ये तैराक पैरा तैराक है, ध्यान रखिएगा। इनका नाम है जिया राय, जिन्होंने महज 17 घंटे 25 मिनट में 34 किलोमीटर की दूरी को तय किया है। इनका संबंध मुंबई से है। अगला है UPSC के नए अध्यक्ष प्रतिसूदन बनी है, इन्होंने डॉक्टर मनोज सोनी को रिप्लेस किया है। UPSC का जो वर्णन है भारतीय संविधान के भाग 14 में है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। विश्व मानव तस्करी निरोध दिवस ये मनाया जाता है 30 जुलाई को, और इस बार इसका 10वां संस्करण था। इंटरनेशनल टाइगर डे 29 जुलाई को मनाते हैं। अगर बात करें विश्व अंतरिक्ष पुरस्कार, तो ये भारत के चंद्रयान 3 को दिया जाएगा। सकल पर्यावरण उत्पाद सूचकांक लॉन्च करने वाला भारत का पहला राज्य है उत्तराखंड। विंग्स टू और होप्स वॉल्यूम 1 पुस्तक का संबंध है द्रौपदी मुर्मू से। इसमें 11 वॉल्यूम्स है, इंपॉर्टेंट पुस्तक है, ध्यान रखिएगा। अभी हाल ही में इसका विमोचन किया गया शिवराज सिंह चौहान के द्वारा। अब अगर बात करें नेशनल मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस, ये 18 जुलाई को मनाया गया। विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस ये 17 जुलाई को मनाया गया, और विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस की 2024 की थीम है सामाजिक न्याय को आगे बढ़ाना। अब अगर बात करें यूरोपीय संसद की पहली महिला अध्यक्ष, उनका नाम है रॉबर्टा मेत्सोला, जो कि माल्टा से है। अगला है अपर सियांग जल विद्युत परियोजना, ये अरुणाचल प्रदेश में प्रस्तावित है। इसकी क्षमता है 11 मेगावाट। अब अगर बात करें हमारा संविधान हमारा सम्मान के दूसरे क्षेत्रीय कार्यक्रम का आयोजन कहाँ किया जाएगा, तो प्रयागराज में होगा। पहला गांव होता बीकानेर राजस्थान में, और इस बार जो दूसरा क्षेत्रीय कार्यक्रम होगा इसका उद्घाटन करेंगे माननीय चीफ जस्टिस महोदय भारत के DY चंद्रचूड़ साहब। तो ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, ये जो क्वेश्चन है आने वाले सभी एग्जाम, चाहे UPP हो, VPO हो या जूनियर असिस्टेंट, सभी के लिए महत्वपूर्ण रहेगा। थैंक यू वेरी मच।